कि एट क्लास आज हम 9th अप्रैल की डायरी पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ना है यूजेस ऑफ सॉल्ट्स, कि जो सॉल्ट्स हैं कल हमने उनका इंट्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं और किस तरह से यूज़ होते हैं। ठीक है, तीन तरह के यूजेस हैं। सबसे पहले है रोल ऑफ सॉल्ट्स इन आर ह्यूमन बॉडी, कि हमारी बॉडी में कौन कौन सा सॉल्ट है और वो क्या काम करता है। ठीक है, सोडियम एंड पोटाशियम सॉल्ट्स आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमें हमारे मसल्स को काम करने के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम को वर्क करने के लिए पोटाशियम एंड सोडियम सॉल्ट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, ये किस तरह से होते हैं, स्पेसिफिकली किस लिए होते हैं, ये डिटेल में आप नेक्स्ट क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम आर प्रेजेंट इन बोन्स, ये बात हमें जनरली पता होती है कि जो बोन्स में हमारे कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो किस लिए होते हैं, वो बोन्स को स्ट्रेंथ देने के लिए होते हैं, और इसके अलावा हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने का मतलब होता है रोकने के लिए। ठीक है, हार्ट अटैक की रोकथाम के लिए या रोकने के लिए भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये उसका फॉर्मूला है, इज़ यूज फॉर ब्रोकन लिम्स। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये देखिए आपके यहाँ पे बना हुए, ये इस आपने देखा होगा कि अगर हाथ पे या पाँव पे फ्रैक्चर हो जाता है तो इस तरह से पट्टी की जाती है, वो थोड़ा सख्त सा होता है, मतलब नरम वाली पट्टी नहीं होती, थोड़ी सी सख्त सी होती है। तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कि जिसकी कोटिंग वहाँ की जाती है ताकि जो आपकी मतलब डिसलोकेट वहाँ पर जॉइंट वगैरह होता है वो डिसलोकेट ना हो जाए या अपनी जगह से ना हिल जाए और वो वापस सही जगह पर अटैच हो जाए। ठीक है, उसके बाद है पोटाश एलम, ये पोटाश एलम भी एक सॉल्ट का नाम है, यूज टू कोना। ठीक है, हम जब आप देखते हो क्लॉट बन जाता है ब्लड का, जब आपके कहीं पे जख्म लगता है तो उस वहाँ पे बजाय इसके कि वहाँ से खून बहता रहे तो उसको रोकने के लिए वहाँ पे हम पोटाश एलम यूज़ करते हैं ताकि जो ब्लड है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो और वहाँ पे जम जाए, इकट्ठा हो जाए और ज़्यादा डेंजरस ना हो। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर की सफाई के लिए, उसको प्योरीफाई करने के लिए, प्योर करने के लिए भी यूज़ होता है। सॉल्ट्स ऑफ आयोडीन आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायरॉयड ग्लैंड्स, दे आर ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। गोइटर एक डिजीज होती है थायरॉयड ग्लैंड्स की, ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उनमें से सीक्रीशंस निकलती हैं, वो आगे जाके हमारी डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें सॉल्ट्स ऑफ आयोडीन चाहिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद है यूज़ ऑफ सॉल्ट इन आर डेली लाइफ, कि हम डेली लाइफ में किस तरह से सॉल्ट यूज़ करते हैं, कि सादा ह्यूमन बॉडी में यूज़ था। ठीक है, इन आर डेली लाइफ, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूजेस ऑफ सॉल्ट इन आर डेली लाइफ। ठीक है, इन आर डेली लाइफ वी यूज कॉमन सॉल्ट फॉर सीजनिंग फूड, यानी फूड में टेस्ट वगैरह के लिए हम कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज कॉमन सॉल्ट पर यहाँ यूज है एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर फिश एंड पिकल्स। प्रिजर्वेटिव होता है कि किसी चीज़ को महफूज करना, प्रिजर्व करना। ठीक है, तो आपको पता होगा, आपने कभी देखा होगा कि अचार में या फिश को नमक लगा के रख देते हैं ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। ठीक है, वो इसीलिए होता है उनको प्रिजर्व करने के लिए, अचार भी और फिश को भी। बेकिंग सोडा इज़ यूज फॉर गिविंग सॉफ्टनेस टू ब्रेड एंड केक, ये बेकिंग में यूज़ होता है। वॉशिंग सोडा इज़ यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है, हम कपड़े धोते हैं, एज अ डिटर्जेंट यूज़ होता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये सारे सॉल्ट हैं और ये उनके यूज़ हैं, ये जो फूड्स वाला है या फ्रेंड ने। उसके बाद है यूजेज ऑफ सॉल्ट्स इन इंडस्ट्रीज़ में कहाँ पर यूज़ होता है, इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, वो मैं आपको निशान लगवा दूँगी जब आप एक्सरसाइज करोगे। सोडियम क्लोराइड इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा। ठीक है, इन सबके फॉर्मूलाज में क्लोरीन आते हैं तो वहाँ पर सोडियम क्लोराइड यूज़ होता है उनको बनाने के लिए। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर एंड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एंड सोप। हार्ड वाटर का मैंने आपको पहले भी बताया था, सॉफ्ट वाटर होता है, हार्ड वाटर होता है, वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें कुछ ऐसे आइंस प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो हार्ड वाटर होता है और वो डेंजरस होता है यूज़ के लिए। ठीक है, तो उसके हार्ड वाटर को उसकी हार्डनेस खत्म करने के लिए, उसको सॉफ्ट करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं। इसके अलावा ग्लास और सोप बनाने में भी सोडियम कार्बोनेट यूज़ होता है। पोटाशियम नाइट्रेट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ गन पाउडर एंड फायरवर्क्स, इट इज़ ऑल्सो यूज एज फर्टिलाइजर। ठीक है, प्रेपरेशन गन पाउडर, गन पाउडर बुलेट्स के अंदर होता है, उनको बनाने में, फायरवर्क्स हमारे जो आतिशबाजी में मतलब पटाखे वगैरह यूज़ होते हैं उसके लिए पोटाशियम नाइट्रेट और एज अ फर्टिलाइजर भी यूज़ होता है। पोटाश एलम इज़ यूज फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है, इन डाइंग क्लोथ एंड फॉर टैनिंग हाइड्स। हाइड्स होती हैं एनिमल स्किन को बोलते हैं, कि जो भी उनकी खालें वगैरह होती हैं उनको कलर देने के लिए, जो भी डिजायर्ड कलर होता है उस वो देने के लिए, जिसे आप वही खाल ही होती है जिसे हम हमारे कोट्स वगैरह बनते हैं, स्वेटर फर वगैरह होती हैं। ठीक है, तो उनको
कलर देने के लिए, और डिफरेंट कलर्स होती हैं आपको पता है, तो उसको नेचुरल कलर से हटा के डिफरेंट कलर देने के लिए हम पोटाश एलम यूज़ करते हैं। कॉपर सल्फेट इज़ यूज एज अ फंजीसाइड। फंजीसाइड मैंने आपको पहले भी बताया था, फंगस को ख़त्म करने के लिए जो स्प्रेज वगैरह होते हैं, दवाई होती है, वो होते हैं फंजीसाइड। एंड इन कैलिको प्रिंटिंग, कैलिको प्रिंटिंग होता है प्रिंटिंग ऑन टेक्सटाइल फैब्रिक्स, ठीक है, कपड़ों के ऊपर प्रिंट करने के लिए भी कॉपर सल्फेट यूज़ होता है। एंड इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक मेटल के ऊपर आप दूसरे मेटल का कोट करते हो, ठीक है, डिफरेंट होता है। अगर आप ये देख लो, सिंपल सबसे सिंपल एग्जांपल आप ले लो, यहाँ पे एक चाबी है, चाबी एक मेटल की बनी होती है, अब वो स्टील से बनी हुई है, एल्युमिनियम की बनी हुई है, किसी भी चीज़ की बनी हुई है, स्टील एल्युमिनियम ये सब मेटल्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप किसी भी दूसरे मेटल का कोट करो, इसके ऊपर आप एक तो होता है ना सिंपल पेंट करना, और दूसरे मेटल, ये एक अलग केमिकल प्रोसेस होता है, उसके थ्रू होता है कि आप उसके ऊपर किसी दूसरे मेटल का, जैसे गोल्ड के ऊपर उसके ऊपर कर लेते हो, लेयर आप बना लेते हो, ठीक है, सिल्वर की कर लेते हो, तो वो उसकी यानी प्लेट बना देना, एक अलग से लेयर बना देना उसके ऊपर, और ये इलेक्ट्रिक करंट की मदद से होती है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रो बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये ऐसा प्रोसेस होता है। इतना ही है आपका, या आपके यूजेज हैं ये सब आप इसी तरह से याद कर लेने, सभी इंपॉर्टेंट हैं, ऑलमोस्ट आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, आपके लॉन्ग में भी आ सकते हैं, तो आपने अच्छी तरह से याद कर लें। जो नहीं समझ में आएगी वो अंडरलाइन कर लें और क्लास में आके मुझसे पूछ लें।